हेलो रेल फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है देवश्री। मेरे चैनल में आपको इंडियन रेलवेज के वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैं इस वक्त हूँ अगरतला रेलवे स्टेशन में और आज मैं आपको एक कंप्लीट टूर दिखाने वाली हूँ अगरतला रेलवे स्टेशन का, और साथ ही साथ मैं जो है इसका फैसिलिटीज़ भी आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और एक ओवरऑल हम लोग व्यू लेने वाले हैं। तो ये है एंट्रेंस स्टेशन का, और इस वक्त स्टेशन को इतना ज़्यादा सजाया गया है क्योंकि अभी जो है 15 अगस्त आने को है और यहाँ पर बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह हो रहा है। तो देखिए कितने खूबसूरती से पूरे स्टेशन को सजाया गया है। इस को ओपन किया गया था 2008 को और इसको रीबिल्ड किया गया था 2016 को, जब गॉज कन्वर्शन किया गया था मीटर गेज से ब्रॉड गेज में, और इसका जो है रेनोवेशन किया गया था पिछले 2 साल पहले। तो इसका स्टेशन कोड है AGTL, इसका डिवीजन है लमडिंग और इसमें लाइंस है लमडिंग सबडुम सेक्शन। तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है इसका, और इस स्टेशन को जो है उज्जैनता पैलेस का जो है रेप्लिका बनाया गया है, इसलिए ये स्टेशन जो है पूरा एक पैलेस जैसा दिखता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको जो है रेल लाइन से जोड़ा गया था। एंड इसका अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, किसी एक डोम शेप में बनाया गया है पूरा, इसको एक महल जैसा लुक दिया गया है, तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और दोनों ही तरफ आपको जो है टिकट काउंटर्स वगैरह दिख जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से क्रॉस होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे अभी अंदर प्लेटफॉर्म एरिया में, और प्लेटफॉर्म यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 15 ट्रैक्स हैं, और इसके दोनों तरफ जो है आपको जो है एक तरफ आपको वेटिंग रूम दिखेंगे, एक तरफ आपको जो है IRCTC का फूड कोर्ट वगैरह पार्सल ऑफिस वगैरह दिखेगा। तो ये स्टेशन बहुत ही क्लीन है, बहुत ही साफ स्टेशन है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि इतनी अच्छे से एक तरीके से जो है मेंटेन किया जा रहा है। तो इसके साइड में जो दीवार वगैरह है उसमें भी देख सकते हैं आपको कितने आप लोग कितने सुंदर से जो है सजाया गया है। यहाँ पे जो है फूड सर्विस की अगर बात करें तो जनाहार और IRCTC का फूड कोर्ट वगैरह है, और पैसेंजर सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पे VIP वेटिंग लाउंज, जो कि लास्ट रेनोवेशन के दौरान बनाया गया था, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास वेटिंग हॉल्स, टॉयलेट, सेरेमिक बेसिन्स, देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रूम है यहाँ पे, देन स्टोर रूम है, पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, पार्सल बुकिंग के लिए यहाँ पे ऑफिस है, रिटायरिंग रूम्स हैं। लेकिन इस वक्त जो है हमारा रिटायरिंग रूम बुक नहीं हो पाया था क्योंकि फुल दिखा रहा था। हमने ट्राई किया था रिटायरिंग रूम बुक करने का लेकिन वो फुल दिखा रहा था। एंड पार्क भी बनाया गया है साइड में चिल्ड्रंस के लिए, जहाँ पे जो है बहुत सुंदर से जो है पेड़ों को जो है हाथी वगैरह का शेप दिया गया है, तो काफ़ी सुंदर है। तो ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर में अभी आ गए हैं, और नीचे इसका जो है सेकेंड क्लास वेटिंग रूम था और ऊपर इसका VIP लॉन्ज एंड फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है। ये रहा जनहार का कैंटीन, जो कि ऊपर के फ्लोर में है, और अभी हम लोग यहाँ पे जाके पूछ रहे हैं कि कुछ खाने को अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ये शाम का टाइम था और कोई ट्रेन्स नहीं थी रात को उस दिन शायद, इस वजह से जो है यहाँ पे कैंटीन में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ पे ये मेन्यू कार्ड रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आप लोग चाहें तो पॉज करके रेट्स वगैरह देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं IRCTC एंड जनहार का जो है फूड ब्लॉग आपके लिए बना पाऊँ, लेकिन यहाँ पे जो है ये हम लोग को बंद मिला था, तो किसी और स्टेशन में मैं ज़रूर आपको ये वीडियो बना के दिखाऊँगी। और यहाँ से मैं अगर व्यू की बात करूँ तो एक इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है ऊपर से, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में ब्लू स्काई है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को था, नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है जो शान से लहरा रहा है, और नीचे जो देख सकते हैं आप लोग पार्किंग वगैरह किए गए हैं, और बहुत ही क्लीन है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, ये सिटी पूरा जो सिटी है इतना ज़्यादा क्लीन है कि मुझे लिटरली एक पत्ता तक नहीं दिखा रास्ते हुए। सो ये एक बहुत ही बड़ी बात माना जाना चाहिए क्योंकि इतना क्लीन एंड ग्रीन सिटी है। तो अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और आपको मैं अभी कुछ और जो जगह है वो दिखा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे मेजर ट्रेन्स रन करते हैं, तो एक वन बाई वन जो है मैं बताती हूँ आपको कौन से मेजर ट्रेन्स यहाँ से जो है दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, और यहाँ से जो है डायरेक्ट दिल्ली तक का लाइन है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस वगैरह लगा दिए हैं टॉयलेट्स के एंड वेटिंग एरिया के, तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है अंदर, बहुत सुंदर से बनाया गया है एक एक चीज़ों को। इस ट्रेन से जो इस स्टेशन से काफ़ी लोकल ट्रेन्स भी चलते हैं, और मेरे पीछे आप लोग हमसफ़र एक्सप्रेस को देख सकते हैं। ये वीडियो जब बनाई गई है तब जो है हमसफ़र एक्सप्रेस रन नहीं कर रही है इस वक्त, और जिस दिन ये बनाया गया था। तो सम ऑफ द मेजर ट्रेन दैट रन फ्रॉम हियर आर तेजस राजधानी, हमसफ़र एक्सप्रेस, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस, जन शताब्दी, देवघर एक्सप्रेस, सिलचर एक्सप्रेस, रानी कमलापति एक्सप्रेस। तो ये कुछ मेजर ट्रेन से जो यहाँ से रन करते हैं, इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन तो बहुत सारे जो यहाँ से रन करते हैं। यहाँ पे आपको अमूल का पार्लर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो शॉप है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये रहा वो शॉप,
जहाँ पे जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत त्रिपुरा के जो जितने भी कलाकृतियाँ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये जो है ऐसा जो शॉप है वो मैक्सिमम जगह पे अभी आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम स्टेशन पर जो है आपको इस तरीके के शॉप्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिए जनशताब्दी है ये ट्रेन जिसको अभी लगाया गया है लाके यहाँ पे, क्योंकि इसका अगले दिन सुबह इसका जर्नी है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इसको यहाँ पे लगाया गया है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि इस स्टेशन को जो है बहुत ही अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ से इसको बनाया गया है, बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं इसमें और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ जो है पैसेंजर्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है फैसिलिटीज़ का। तो ओवरऑल ये स्टेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। एंड खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती में तो मुझे ये बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुंदर स्टेशन लगा मुझे अब तक का, क्योंकि ये एक पैलेस के रेप्लिका को मतलब पैलेस का एक रूप दिया गया है इसको, तो इस वजह से शायद ये स्टेशन जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये रात का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो हम लोग अभी यहाँ से जो है निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले जो है मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे IRCTC के फूड कोर्ट पे, तो हम लोग अभी उसी ओर जा रहे हैं। तो ये जो फूड कोर्ट है IRCTC का जो कि नॉर्मली जो है ओपन रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स जब रहते हैं आवागमन जो रहता है तब तो यहाँ पे खाना अवेलेबल रहता है, लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ पराठा अवेलेबल था, वो भी 40 रुपीज़ का एक पराठा था। तो मुझे लगा कि ये वर्थ नहीं होगा यहाँ पे अभी खाना, एंड मैं बाहर से कुछ ट्राई कर लेती हूँ। तो फिलहाल इस वक्त हमको इस कैंटीन में कुछ भी नहीं मिला सिवाय आइसक्रीम के और पराठे के। तो फिर मुझे मन था कि मैं एक वीडियो बनाऊं यहाँ पे, लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं यही चीज़ अपने नेक्स्ट जर्नी पे आपको मैं दिखा पाऊँ। एंड नेक्स्ट जर्नी से याद आया बहुत ही जल्द मेरी और एक जर्नी होने वाली है विद इन 15 to 20 days, और एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे हम लोग जाने वाले हैं, तो उसका भी बहुत सारा वीडियोज़ आने वाला है। आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, क्योंकि इस बार जो जर्नी होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत होगा, एंड उसमें मैं और भी सारे वीडियोज़ जो इंक्लूड करूँगी, खाना वगैरह एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, एंड निकल के पीछे का जो रास्ता है वहाँ से निकल रहे हैं जहाँ से पार्सल ऑफिस वगैरह है, और वहाँ से होते हुए जो है हम लोग आगे की ओर जाएंगे, पार्किंग एरिया से होके निकलेंगे। तो ये पीछे का एरिया है और देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, स्टेशन के अंदर इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं, लाइक मैं क्या बताऊँ, हैट्स ऑफ, मतलब इतना अच्छा काम किया है यहाँ पे NFR ने, इतने सारे बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और काश ऐसा हर स्टेशन में किया जा सकता। सो ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया बहुत बहुत बड़ा है यहाँ पे, जो है 3-wheeler, 4-wheeler, 2-wheeler सबके लिए अलग अलग जगह दिया हुआ है पार्किंग करने का, वेरी ह्यूज प्लेस, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। और ये रहा पार्सल ऑफिस, तो अगर आप लोग, किसी ने पूछा था कि बाइक पार्सल करके ला सकते हैं क्या, तो यहाँ पे आप लोग इजीली जो है कर सकते हैं ये सब। आप लोग पार्सल ऑफिस में खबर कीजिए, आप लोग को ज़रूर यहाँ से जो है सहायता की जाएगी। एंड ये रहा इसका पार्किंग एरिया। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरा एक नेक्स्ट जर्नी होने वाला है, तो ये जर्नी वीडियो जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद ही मेरा नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, और उस जर्नी में जो है आपको जर्नी वीडियोस तो मिलेंगे, ट्रेन के रिव्यू मिलेंगे, स्टेशन के रिव्यू मिलेंगे, जो जो स्टेशन में मैं जाने वाली हूँ वहाँ के रिव्यू में वगैरह मिलेंगे, फूड का रिव्यू मिलेगा, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है क्यों दिखा पाऊँ, क्योंकि इस बार जो है मैंने AC में जर्नी किया है, लेकिन नेक्स्ट शायद मैं स्लीपर में जर्नी करूँ, तो स्लीपर में किस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी होने वाली है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई अपकमिंग जर्नी। तो ये सामने से कुछ ऐसा लुक है, और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था अगरतला का जो है एक कंप्लीट वीडियो बनाने का, तो मैंने कोशिश की अपने तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फ्लैग कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। सो अगर आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट मुझे कौन सा स्टेशन का रिव्यू वगैरह करना चाहिए ये भी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप ऐसे बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ मैं बताऊँगी जो भी आपका ओपिनियन है, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपना ओपिनियन दीजिए। एंड आप लोग कहाँ से देखते हैं मेरा वीडियो ये भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ये पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।